हाय स्टूडेंट, मेरा नाम आशु कुमार आर्य है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको जो मटेरियल चाहिए बहुत थोड़ा सा चाहिए और बहुत आपको कम रुपए में ये मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक एलईडी, ये मार्केट में आपको 1 से 2 रुपए की मिल जाएगी। और एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, और रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगा 220 ओम का। ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें मैंने 2 सर्किट बनाए हैं। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, फिर इस पर आएंगे हम। और आपको एक चाहिए डायोड, पीएन डायोड है ये। इसके अंदर सेमीकंडक्टर होता है, यानी सेमीकंडक्टर से बना होता है ये डायोड जितने भी होते हैं। और इस डायोड का नाम है पीएन डायोड 1N407। आपको ये मार्केट में मिल जाएगा 1 से 5 रुपए के बीच में। और आपको एक 9 वोल्ट बैटरी चाहिए। ये मेरे पास 9 वोल्ट बैटरी है, जिसमें एक होल्डर लगा है, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिससे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है सेमीकंडक्टर का। तो सबसे पहले अब हम सर्किट बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए। आप चाहे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैं तो सर्किट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिससे इसमें कोई ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तारों को। तो ये ब्रेडबोर्ड है हमारे पास। तो एट फर्स्ट आई विल मेक ए सर्किट यूजिंग दिस रजिस्टर एंड दिस एलईडी। ये एलईडी का सिंबल है और ये 9 वोल्ट की बैटरी का सिंबल है, सॉरी बैटरी का सिंबल है, और ये 220 ओम का रजिस्टर है। ये मेरे पास है 220 ओम का रजिस्टर। इसको मैं ब्रेडबोर्ड में लगाकर, पहले मैं इसको ब्रेडबोर्ड में यहाँ पे लगा दिया। और ये एलईडी है जो लॉन्ग, इसका लैग होता है, ये पॉजिटिव वाला होता है और ये निगेटिव वाला होता है। यानी ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, और ये लाइन दिख रही है, ये निगेटिव है। तो आपको इसी तरीके से जोड़ना है, पॉजिटिव वाला रजिस्टर के इस कनेक्शन इस तरह से जुड़ेगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया, आई हैव कनेक्टेड रजिस्टर विद एन एलईडी। अब आप देखो ये पहले काम कर रहा है या नहीं हमारा। अब देखिए रजिस्टर का पॉजिटिव से कनेक्ट है ये, तो मैंने ये इसमें लगा दिया। अब ये इसमें लगाता हूँ तो एलईडी ग्लो होनी चाहिए। एलईडी हमारी ग्लो हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। इस पेपर को मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम सेमीकंडक्टर लगाने वाले हैं, यानी ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। यानी आप ये देखें, आप सेमीकंडक्टर को मैंने, यानी एक पीएन डायोड जो एक सेमीकंडक्टर से ही बना होता है, इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लगाया है। फॉरवर्ड ऑर्डर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये एलईडी नहीं जलेगी। फॉरवर्ड में ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और रिवर्स में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में मैंने रिवर्स में लगाया है, तो आपको मैंने रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरीके से लगा के दिखा देता हूँ। अब हम इसको निकाल दिया मैंने, देखिए वही सेम है। ये रजिस्टर है और ये एलईडी है, जिसमें 2 एरो बने हैं, ये रोशनी को बताते हैं, यानी फोटोन्स को। रिवर्स ऑर्डर में लगाऊंगा। आप कैसे पहचानेंगे ये डायोड फॉरवर्ड कैसे होता है और रिवर्स कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। आप जब मार्केट से ये परचेज करके लाएंगे डायोड, तो आपको ये इस फॉर्म में दिखाई देगा, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप दिखेगी, पट्टी दिखेगी, जो स्लेटी कलर होगा इसका, और ये पोर्शन ब्लैक होगा। तो ये ब्लैक पोर्शन जो होता है वो पी एंड बताता है, और ये पट्टी है यानी जो स्ट्रिप है ये एन को बताती है। यानी आप इसको पॉजिटिव लगाओगे, इसको नेगेटिव लगाओगे, तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस, और उल्टा करेंगे इसका तो रिवर्स बायस। और यहाँ पर आप देखो ये ट्रायंगल वाला हिस्सा है, ये कनेक्ट है माइनस से, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस हम लगाते हैं यानी इस डायोड को, यानी ये सिरा नेगेटिव और ये सिरा पॉजिटिव। करने में बहुत ईजी है, दोनों तरीके से लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने डायोड लगा दिया इस तरीके से इसमें, और ये लगाया इधर। अब देखिए लाइट नहीं जल रही है इसमें, इसका मीन्स ये है कि रेजिस्टेंस हायर है, बड़ा है रेजिस्टेंस, इस वजह से ये हमारी एलईडी ग्लो नहीं हो रही है। अब देखिए फॉरवर्ड करता हूँ मैं इनको, इसको तो एलईडी ग्लो होनी चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड में देखिए एलईडी इज़ ग्लोइंग, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ लोअर रेजिस्टेंस। अब रिवर्स करते हैं तो ये हमारी एलईडी नहीं ग्लो हो रही है। अब यहाँ से हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। अब As I have told you that if we increase the temperature of the semiconductor, the resistance of the semiconductor decreases. उसके लिए हीट करने के लिए हम मैजेस्टिक यूज़ कर रहे हैं, और देखेंगे रेजिस्टेंस यदि कम होता है तो ये एलईडी ग्लो होनी चाहिए। इस तरीके से करना कि आग ना लग जाए घर में। ये मैंने एक मैजेस्टिक जलाई और इसको गर्म करता हूँ मैं। अब आप देखो एलईडी ग्लो होने लगी है, इट इज़ हैपनिंग। अब देखिए डाउन होने लगी इसकी ब्राइटनेस, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ाया हमने, तो ये एलईडी ग्लो होने लगी थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। थोड़ा क्लोजर लुक देख लीजिए, ये मेरा ब्रेडबोर्ड भी काला पड़ चुका है थोड़ा सा। देखो आप एक बार फिर, आपको ज़रूरत नहीं ब्रेडबोर्ड यूज़ करने की, आप चाहे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, कनेक्शन ही आपको करनी है। देखिए एलईडी ग्लो होने लगी है, इतना भी मत जला देना कि डायोड पूरा जल जाए और फिर डाउन हो गया। तो ये वेरीफाई करता है कि सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर कम हो जाता है। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, आप चाहें साइंस एग्जीबिशन में तो नहीं कर सकते आप, लेकिन किसी कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने में आप यूज़ कर सकते हो इसको। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।